केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहतर उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें किसी भी संबंधित बीमारी का उपचार किया जाना हो। इसी क्रम में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में भी समय समय पर अस्पतालों में जन जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं और लोगों को HIV के बारे में जानकारी देते हैं। इसी के चलते सोमवार को महेशी दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल में बने 6 रोग विभाग में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों की संख्या में आशा कार्यकर्त्री, उषा कार्यकर्त्री एवं विभाग से संबंधित अन्य सदस्य एवं अधिकारी गण भी मौजूद रहे। इस कार्यशाला के अंतर्गत सभी आशा कार्यकर्त्रियों को, उषा कार्यकर्त्रियों को जन जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई और उनसे कहा गया कि हर गांव जाकर लोगों को जागरूक करें कि HIV कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। HIV से पीड़ित लोग भी खुलकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं और मेहनत मजदूरी कर अपने और अपने परिवार का पालन भी कर सकते हैं, जिसके लिए समय से चिकित्सा केंद्रों पर जाकर अपना पूर्ण रूप से उपचार कराएं। और यह भी बताया गया कि HIV के खतरे से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए लखनऊ से आई HIV विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार के द्वारा समय समय पर आदेशित किया जाता है और आशा एवं उषा कार्यकर्त्रियों के माध्यम से आम जनता तक संदेश पहुँचाया जाता है। हर गाँव में हम ग्रास रूट लेवल पे जा रहे हैं कि जो लांछन है, भेदभाव है, उसको दूर करने में आशा, आंगनवाड़ी, ग्राम सभा के मेंबर, जिसमें कि स्कूल के टीचर भी हैं, पंचायत के सदस्य भी हैं और पंचायत, इन तीनों को हम टारगेट करके इनके साथ मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं, बीमारी अगर है तो उसका इलाज कराएं और इलाज करने के बाद HIV का व्यक्ति 25 साल तक दवा लेता रहे तो इतना स्वस्थ रह सकता है कि CRP और BSF में भर्ती में भी पता लगने पर उसको रोका नहीं जाता है, उनको काम करने दिया जाता है, कठिन से कठिन काम कर सकते हैं। इसलिए ये बीमारी ऐसी नहीं है कि आदमी डर जाए, घबरा जाए कि अब तो मरने वाले हैं, बिल्कुल नहीं है। तो दवा बहुत अच्छी है, हर जगह इलाज बहुत अच्छा है और ये चीज़ों को गुप्त रखा जाता है। और 2017 में एड्स एक्ट भी बन गया है, जिसके कमिश्नर उत्तर प्रदेश में कमिश्नर उसके लोकपाल होते हैं, तो उनकी हित की रक्षा भी करते हैं, समाज से और भी उनको सुरक्षा मिली है। अगर उनकी प्रॉपर्टी राइट का पूरा हकदार है, क्योंकि 25-30 साल तक आराम से जी सकते हैं और साथ में कोई स्कीम आती है उनको प्राथमिकता दी जाती है, आंगनवाड़ी में राशन दुगना उनको दिया जाता है, जो भी पोषण मिलता है। तो सरकार इनके प्रति सिंपैथेटिक है और इस बीमारी को हम पूरी तरह से नए केस नहीं होने देंगे, पुराने को तो बचाते रहेंगे। 2023-30 तक भारत में ये बीमारी सामान्य यदा कदा कहीं दिखेगी, लगभग समय इंडेमिक नहीं रहेगी। अब इस प्रयास से हम कर रहे हैं और विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसने 40 वर्षों में 1981 में पहला केस पता चला था, इस समय हम 2021 में हैं और 9 वर्ष और हमें लगेंगे इस बीमारी पर संपूर्ण रूप से काबू करने की स्थिति में आ चुके हैं। आज इनको यही बताया गया है कि ये बीमारी यद्यपि लाइलाज है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन इस बीमारी को दवा देके हम कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ने नहीं देंगे। जब तक दवा लेते रहेंगे व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। और आप गांव में जाके लोगों को समझाइए कि विवाह भी कर सकते हैं, बच्चे भी, स्वस्थ बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, उसकी भी दवा है। 72 घंटे के अंदर में अगर अस्पताल में प्रसव हो रहा है तो 72 घंटे के अंदर में न्यूरोपिन दवा दे के उस बच्चे को बीमारी नहीं होने देते हैं। हाँ, ये गांव में ही काम करती हैं। इनका एक और दायित्व ये है कि अस्पताल में ही डिलीवरी कराएं, गर्भवती होते ही उनका पंजीकरण करा के 3 बार चेक